गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं बायोलॉजी में आपके लिए पेपर लेकर आया हूं, ABC ग्रुप का पेपर 8/8/2022 का है और यहां शिफ्ट देखें तो हम सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। आज हम डिस्कस करेंगे ABC ग्रुप के इस पेपर को। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है, द टाइप ऑफ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म से पहले वाली प्रतिरक्षा, और जो विशिष्ट नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक है, वो प्रतिरक्षा को हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा। बच्चे में जन्म से पहले 9 महीने के दौरान जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, उसी प्रतिरक्षा को क्या नाम दिया है, इननेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा। और बच्चे के जन्म के बाद बच्चा जो वातावरण से लड़ते हुए जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा। तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा डी, इननेट इम्यूनिटी। सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न देख रहे हैं, द टेक्निक ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल्स टू मेक इट कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA, पुनर्योगज DNA को पादप कोशिका में प्रवेश कराना है। जो हमारा DNA है, जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट DNA बोला है, इस रिकॉम्बिनेंट DNA को आपको डालना है इस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, जिसे हमने बोला है कॉम्पिटेंट होस्ट। और इस कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर डालने के लिए हमारे पास, यहाँ इस रिकॉम्बिनेंट DNA को डालने के लिए हमारे पास विधि कौन सी है, टेक्निक्स कौन सी है, वो देखना है। ट्रीटिंग सेल्स विद डाइवेलेंट कैटायन, Ca++ कैटायन, ये भी सही है, छेद कर देता है इस बैक्टीरिया में। इनक्यूबेटिंग द सेल्स इन आइस फॉलोड बाय हीट शॉक एंड बैक इनटू द आइस, पहले बर्फ पे रखेंगे, फिर गर्मी में और फिर बर्फ पे, 42 डिग्री सेल्सियस। इससे ये तेजी से यहाँ से रिकॉम्बिनेंट DNA अंदर चला जाता, खींच लेती है। बॉन्डिंग सेल्स विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, ये भी सही है। इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट DNA डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस, डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर पहुंचाना, माइक्रो इंजेक्शंस इनके द्वारा पॉसिबल है। तो सारी की सारी मेथड्स तो यहाँ जो दी गई है वो सब करेक्ट हैं, लेकिन सबसे जो बेसिक और नेचुरल मेथड है उसका नाम है इनक्यूबेटिंग द सेल्स इन आइस फॉलोड बाई हीट शॉक एंड बैक इनटू द आइस। तो इसमें चारों आंसर वैसे करेक्ट हैं, लेकिन जो हम ज्यादा करेक्शन की तरफ यदि चले तो हमारा सही आंसर आएगा इनक्यूबेटिंग द सेल्स इन आइस फॉलोड बाय हीट शॉक एंड बैक इनटू द सेल्स, सॉरी आइस। और ये जो है ये यहां पर सबसे करेक्ट आंसर निकल कर आया हमारा, बाकी सारे आंसर करेक्ट है यहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर हमको सही चुनना है तो ज्यादा सही ये वाला आंसर है यहां। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। फिर यहाँ फेमस CUT के पैटर्न पर मैच द कॉलम, मोनोसियस प्लांट, जो मोनोसियस प्लांट है वो एक ही प्लांट पर होगा मेल फ्लावर और एक ही प्लांट पर होगा दूसरा फीमेल फ्लावर, टू टाइप्स के फ्लावर होंगे। एग्जांपल है कुकुरबिट्स, कद्दू, लौकी, गिलकी, तुरई। डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट जो है वो है यहाँ पर पपाया। डायोसियस प्लांट का मतलब है मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, दोनों प्लांट ही अलग अलग होंगे डायोसियस कंडीशन। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो हैप्लोइड प्लांट से, हैप्लोइड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और एंथ्रोजॉइड्स जो है वो क्या है, स्पर्म्स। लोअर प्लांट्स में एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं, स्पर्म्स। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, ए का थर्ड एक ही आंसर है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, हमारा आंसर निकल के आया है ए। वैसे तो आप एक को ही मिला देते थर्ड वही वाला तो बाकी पूरा आंसर करेक्ट हो जाता है यहाँ पर ऐसा तभी करना जब आपको बहुत ज्यादा श्योरिटी हो, अन्यथा नहीं करना ऐसा, सारे आंसर चेक करना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। डायफ्राग्म इज यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बाय फीमेल, डायफ्राग्म बैरियर मेथड है, डायफ्राग्म वॉल्स, डायफ्राग्म और सर्वाइकल कैप्स। चलो देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ रबर, रबर का बना है, ये तो सही है। इंसर्टेड इन द यूटरस, ये भी सही है, गर्भाशय में लगाया जाता है। ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये भी सही है, स्पर्म की एंट्री रोकता है।
रीयूजेबल, ये गलत है। करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन, तो ए बी सी यहाँ करेक्ट है। कहाँ गया ए बी सी आंसर? ए बी सी डी नहीं है, इज रीयूजेबल, उसको पुनः यूज किया जाता है। रीयूजेबल नहीं है, पुनः उसका यूज नहीं किया जाता है, तो ये वाला सिर्फ गलत है डी। तो यहाँ आंसर निकल गया है हमारा डी, ए बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखें, अरेंज द स्पीसीज डायवर्सिटी फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। इक्वेटर से आप यदि पोल की तरफ गए तो बायोडायवर्सिटी क्या होती है? डिक्रीज। जैसे जैसे हाइट पर जाओगे, पोल की तरफ जाओगे, बर्फ बढ़ेगी और डायवर्सिटी डिक्रीज होगी, घटेगी। तो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होगी। अब सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन देखो, यहाँ एक ये है और एक ये है, दोनों में से चुनना है, कोलंबिया और अमेजोन। तो बी या ई, बी ये नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, ई, इन दोनों में से एक लेना है अपने को, पहला कौन सा आएगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है केवल एक बात, दोनों इक्वेटर पर हैं। ज़्यादा करेक्ट जो लिया जा रहा है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लिया जा रहा है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट पहले नंबर पर आएगा ई, देन बी पर आ गया कोलंबिया, देन ए जो आया है वो 1200 स्पीसीज इंडिया वाला, देन सी में आया है यहाँ पर 105, देन डी में आया है 56। तो ज़्यादा से कम की तरफ चले हैं यहाँ पर, 13, 14, 12, 105 और 56। तो करेक्ट आंसर ये निकल के आया हमारा। वैसे हमको आंसर लेना था ये वाला, ए वाला, दोनों में सीक्वेंस सेम है, केवल बी ई का डिफरेंस है, लेकिन आपको ई को सबसे पहले रखना है, क्योंकि हाईएस्ट स्पीसीज डायवर्सिटी प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसलिए करेक्ट आंसर आया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन है रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस, सेंट्रल डोगमा दे दिया पूरा यहाँ पर, रेप्लिकेशन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। राउस सारकोमा वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाया था, तो चेक कर लेते, बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर। ए का आया हमारा फोर्थ, ए का फोर्थ है सब जगह, ए का फोर्थ है। बी का देख लेते हैं, बी का आया यहाँ पर थर्ड, बी का थर्ड कितने में आ रहा है? ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बी का थर्ड इन दोनों में नहीं है, एक ही आंसर है, मतलब सी आंसर करेक्ट है, सी का सेकंड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, ये हमारा या सी आंसर निकल के करेक्ट आया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सेंट्रल डोगमा से था पूरा। During recombinant DNA technology, enzyme involved in joining the fragments. मैंने बताया था तोड़ने का काम, breakdown का काम करता है, restriction endonuclease और जोड़ने का काम करता है DNA ligase या ligase enzyme. Correct हुआ आंसर यहाँ। Next, two statement दिए हैं, accession region आया है देखो यहाँ। इन पेपरों में जितने पेपर अभी तक डिस्कस किए हैं उनमें एसेसन रीजन यहाँ पहली बार आया निकल कर। द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी ओसाइट फॉर्म सेकेंडरी ओसाइट दैट रिमेन्स इन द स्टेज ऑफ अंटिल ओवुलेशन अकर्स। जब तक ओवुलेशन नहीं हो जाता तब तक वो सेकेंडरी ओसाइट की फेज में ही होता है, वो ये सेकेंडरी ओसाइट की फेज में रहेगा यहाँ। मतलब मियोसिस फर्स्ट हो चुका है यहां, प्राइमरी ओसाइट 2N में मियोसिस हुआ तो ये बना सेकेंडरी ओसाइट N, ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन और इसी में अटक जाता है और साथ में बनती हैं यहां पर पोलर बॉडीज, सेकेंडरी ओसाइट और इधर बनेगा पोलर बॉडीज। तो देख लेते हैं, मियोसिस फर्स्ट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी ओसाइट ये वाला और फर्स्ट पोलर बॉडी, मतलब एसेसन और रीजन दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये सेकेंडरी ओसाइट का ही क्या होता है, ओवुलेशन, उसके बाद वो बनता है यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट से ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो मियोसिस सेकेंड ओवुलेशन के बाद होगा, तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है और इसका रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पहले में
पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी ऑक्साइड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एसएसएन एंड रीजन बोथ करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर निकल के हमारे पास आया है वो क्या आया है, ए। ए इसका क्या है करेक्ट आंसर। चलो आगे चलें। इन ह्यूमन वी डू नॉट जस्ट हैव डार्क एंड लाइट स्किन कलर, स्किन कलर की बात हुई है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये, ए ए बी बी सी सी का क्रॉस, ए ए बी बी और सी सी से। जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन होंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, एडिटिव इफेक्ट्स आएगा जीन का, उतना ज़्यादा स्किन का कलर क्या होता जाएगा, डार्क। ये पूरा ब्लैक होगा और ये पूरा वाइट स्किन होगा। और ये एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, स्किन कलर मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। वीट का भी कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कारण। अगले पे चले हम, करेक्ट बताना है स्टेटमेंट से। पीच ऑफ द कोइल्ड डीएनए हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाइट्रोजनस बेसिस लिंक्ड टू फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ डीएनए। डीएनए की बैकबोन जो बनती है हमारी, वो बनती है सुगर प्लस फॉस्फेट से, और यहाँ दिया है नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, तो ये गलत है स्टेटमेंट। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। एडिनाइन पेयर्स विद गुआनिन, एडिनाइन पेयर्स विद गुआनिन ऐसा नहीं होगा, एडिनाइन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। टू चेन्स ऑफ डीएनए शोस एंटी पैरेलल पोलरिटी, ये भी करेक्ट है। यहाँ तो एक से ज़्यादा आंसर क्या है करेक्ट, तो सीयूटी ने भी दिया है एक से ज़्यादा आंसर यहाँ करेक्ट है, तो इसमें देख से ज़्यादा आंसर करेक्ट आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, आंसर वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है, बोनस मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बताना है, इकोसिस्टम इज सम टोटल ऑफ सम ऑफ मेनी पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। पॉपुलेशन इंटरेक्ट हो रही है एक दूसरे से, एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विद एन एनवायरमेंट। ये तो इकोसिस्टम की सीधी सीधी डेफिनेशन हुई है, इकोलॉजी या इकोसिस्टम में पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है और साथ ही साथ अपने वातावरण से भी, एनवायरमेंट से भी इंटरेक्ट होती है। इकोसिस्टम इज कंपोज ऑफ ए बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम इज इक्वल्स टू बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट, और दोनों से मिलकर बना है, इसीलिए तो बायोटिक कंपोनेंट इसमें यह बता रहा है कि मैनी पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, बायोटिक फैक्टर, एंड इंटरेक्ट विद एन एनवायरमेंट मतलब क्या हुआ, ए बायोटिक फैक्टर, दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वही तो इकोसिस्टम है। इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस एसर्शन का, ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। ए इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ फिर स्टेटमेंट वाला आया है, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड बाय टेक्निक कॉल्ड जेलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जेलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, सेपरेट, इधर पॉजिटिव चार्ज एनोड, इधर नेगेटिव चार्ज कैथोड, और डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुंह होता, सही स्टेटमेंट है। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिव चार्ज विच सेपरेट बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड्स द एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू मीडियम। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, ए। डीएनए के फ्रेगमेंट का जो सेपरेशन है उसी मेथड का नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्योंकि उसमें डीएनए पर चार्ज है नेगेटिव, और वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर तेजी से सेपरेट होते हैं मूव होकर, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन आया है यहाँ से। स्टेटमेंट में देखें फिर हम, यहाँ एसएसएन रीजन स्टेटमेंट फॉर्मेट है, ऑटोमोबाइल्स आर फिल्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर, बिल्कुल सही है। एक्सपेंसिव मेटल होता है कौन सा, प्लेटिनम पैलेडियम एंड रोडियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला तो लगाते हैं हम। कैटालिटिक कन्वर्टर्स कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रिक ऑक्साइड N2O को N2 में,
नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहां से दोनों स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं, करेक्ट। चलो अगला चलते हैं, पोल्यूशन चैप्टर से था एक क्वेश्चन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिजा टेस्ट डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ एचआईवी वायरस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। यहां पर मोलिकुलर डायग्नोसिस में पीसीआर करते हैं, यहां पर मोलिकुलर डायग्नोसिस में एलिसा करते हैं, पीसीआर करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, लेकिन इस एलिसा में ये काम करता है एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस पर, पूरा प्रिंसिपल इसी पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। सिंपल क्वेश्चन था यह। नेक्स्ट, क्रॉस ब्रीडिंग रिफर्स टू मीटिंग ऑफ सुपीरियर मेल्स ब्रीड विद सुपीरियर फीमेल्स अनदर ब्रीड हिसार डेल, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैंने बताया था भेड़ है ये और बीकानेरी एविस और मेरिनो रैम्स दो के बीच क्रॉस किया गया है, बीकानेरी एविस शीप भेड़ में और मेरिनो रैम्स में, और जो बनी है पंजाब की भेड़ वो जिसे क्या कहा गया है, हिसार डेल, क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, विच केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन टोबैको इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन इन ब्लड सर्कुलेशन, टोबैको से केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है निकोटीन, टोबैको से निकोटीन, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर का क्वेश्चन है, वहां से प्रोड्यूस होता है टोबैको से निकोटीन, और निकोटीन ही हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स के पास जाकर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को सिक्रेट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, फिर स्टेटमेंट आया, द गेन आर लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिविजन इज कॉल्ड एन्यूप्लॉयड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2n प्लस 1 ट्राइसोमी, 2n माइनस 1 मोनोसोमी, और ये ट्राइसोमी मोनोसोमी दोनों क्या है, एन्यूप्लॉयडी, क्या है ये, एन्यूप्लॉयडी है, या तो एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया या क्रोमोसोम इंसर्ट हो गया, ट्राइप्लॉयडी, ये म्यूटेशनल का एक क्वेश्चन है, समझ लो इसको। The number of chromosome in normal human cell is 48, गलत, बिल्कुल 46 chromosome है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और सेकेंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट और सेकेंड क्या है, इनकरेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां से डायग्राम का, ये है प्राइमरी फोलिकल, ये है टर्सरी फोलिकल, ये है मैच्योर ग्राफिन फोलिकल, ये फोलिकल जो है मैच्योर ग्राफिन फोलिकल, और ये फोलिकल रप्चर्ड फोलिकल है, यहाँ से रप्चर फोलिकल, ये कार्पस लूटियम और मैच्योर कार्पस लूटियम, तो यहाँ ए दिया है टर्सरी फोलिकल, ए है टर्सरी फोलिकल, बिल्कुल सही है, ए तो टर्सरी फोलिकल है, बी है प्राइमरी फोलिकल, ये भी बिल्कुल सही है, प्राइमरी फोलिकल, सी है कार्पस लूटियम, बिल्कुल सही, डी है कार्पस लूटियम डीजनरेटिंग, बिल्कुल गलत, फुली मैच्योर कार्पस लूटियम है, और ई देखो रप्चर्ड सेकेंडरी फोलिकल नहीं, रप्चर्ड ग्रेफियन फोलिकल्स है यहाँ पर, तो ये भी गलत है, तो सही आया यहाँ पर, करेक्ट बताना था, ए बी सी, ए बी सी यार आंसर, ए बी सी ओनली, ये क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ से निकल कर आया, डायग्राम सीधा एनसीईआरटी का दिया हुआ है, सिंपल सा। द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी काउ, ये ट्रांसजेनिक एनिमल में रोजी काउ का जो है, इससे हम ऑब्टेन करते हैं अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो चाइल्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और वो हम बनाते हैं ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम है रोजी काउ, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन करेक्ट आंसर है। डार्विन्स थ्योरी नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, डार्विन की थ्योरी में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन लेमार्क की थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की थ्योरी, स्पेशिएशन जाति उद्भवन है, तभी तो नई जाति का विकास होगा, तो करेक्ट आंसर आएगा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, क्योंकि उन्होंने पूछा है नॉट,
नहीं वाला, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। नेक्स्ट है, चलो ये आया हमारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। रेगुलर लेग ऑपरन मॉडल दिया उन्होंने, सीक्वेंस बताना है। रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड एंड डज नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। देखो ये यहां से आया, इसने बनाया रिप्रेसर, रिप्रेसर जाकर जुड़ जाता है ऑपरेटर से, प्रमोटर से यहां जाता है आरएनए पॉलीमरेज। लैक्टोज प्रेजेंट इन द मीडियम बाइंड्स टू द रिप्रेसर, ट्रांसलेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइड्स, द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द आई जीन। ये सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा, आई जीन रिप्रेसर को क्या करती है, सिंथेसाइज, मतलब पहला हो गया। फिर लैक्टोज प्रेजेंट इन द मीडियम, लैक्टोज जैसे ही मीडियम में आएगा बाइंड्स टू द रिप्रेसर, रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा। देन इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज गेट्स एक्सेस टू द प्रमोटर, नहीं, रिप्रेसर इज इनएक्टिवेट, इससे रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाए, डज नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, से ऑपरेटर से जुड़ना बंद कर देगा। ये थर्ड स्टेप, और लास्ट स्टेप है आरएनए पॉलीमरेज गेट एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से चालू हो जाएगा जाना, क्योंकि रिप्रेसर ने यहाँ जाना क्या कर दिया, रोक दिया। ये स्टेप बनी हमारी DBAEC, ट्रांसलेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइड्स, और ये पांचवी स्टेप है, ट्रांसलेशन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइड्स, और यहां से बीटा ग्लाइकोसाइड्स एंजाइम का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया DBAEC, इसका क्या आ गया, सिक्वेंस, करेक्ट सिक्वेंस। ये लेक ऑपरन का सीधा सीधा यहां पर सिक्वेंसिंग पूछी इस क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड स्पीसीज रिचनेस। ये तो हमारा ग्राफ से पूछा है सीधा सीधा, इस तरह का ग्राफ हमने देखा है, तो लोग वाले तो यहां आएंगे, हमने देखा है एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, तो यहां आएगा log a इज इक्वल्स टू log c प्लस झेड log a, ऐसा फॉर्मूला आ रहा है, log a c log झेड a, मतलब हमारा a आंसर क्या है, करेक्ट। सीधा ये फार्मूले से जो ग्राफ था उसी ग्राफ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है यहाँ CUT ने। हीमोजोइन दैट काउजेस रिकरेंट चिल एंड फीवर रिलीज्ड फ्रॉम द रप्चर्ड आर्म, ये मलेरिया वाला जो हमने देखा है, मलेरिया डिसीज में आरबीसी के अंदर जब प्लाज्मोडियम अंदर इंटर हो जाता है और ब्रेक करता है, तो इसकी वाल से, इस आरबीसी की वाल से सब्सटेंस सिक्रीट होता है जिसको कहा जाता है हीमोजोइन, और हीमोजोइन के कारण सिवरिंग, ठंड लगती, कपकपी आती है, और बहुत तेज फीवर आती है, चिल्ड महसूस होता है, फीवर आती है, यह आरबीसी का रप्चर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हार्मोन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन इट्स सिक्रीशन एट द स्टार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड ट्रिगर्स रिलीज ऑफ अदर हार्मोन्स, ट्रिगर करता दूसरे हार्मोन का सिक्रीशन। ध्यान रखना यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड है, और वो हार्मोन है FSH और LH, लेकिन ये दूसरे हार्मोन्स को ट्रिगर नहीं करते ज़्यादा, ज़्यादा जो ट्रिगरेंस आता है वो आता है गोनेडोट्रोपिन रेजिंग हार्मोन GnRH, ये ट्रिगर का काम करते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास जाते हैं, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट करते हैं, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं GnRH, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन करवाते हैं FSH और LH का, तो मेन हार्मोन रहा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये यहाँ क्वेश्चन पूछा है। हार्मोन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन इट्स सिक्रीशन एट द स्टार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर इनका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, हाई, तो ये मेन हार्मोन है GnRH। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट
स्टेटमेंट, इनसे करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से सिलेक्ट करना है। द मेरिस्टेम इज फ्री वायरस इन प्लांट इवन इफ प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ वायरस। बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट बताना, ध्यान रखना का एक तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये वाला। अगर वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करना है तो हम मेरिस्टेम ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा वायरस फ्री मिलेगा, बाकी पूरा प्लांट अगर वायरस से अफेक्टेड है तो कोई समस्या नहीं है। माइक्रो प्रोपोगेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। ये तो पूरी डेफिनेशन ही दे दी सीधा सीधा। माइक्रो प्रोपोगेशन में टिश्यू कल्चर द्वारा थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। टिश्यू कल्चर इज एन एफिशिएंट मेथड फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। बिल्कुल सही है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट मेथड है टिश्यू कल्चर। सोमेटिक हाइब्रिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू प्लांट्स। ये गलत है, और हमको गलत ही बताना मतलब यही है, टू प्लांट सेल्स नहीं, टू प्रोटोप्लास्ट। दो सेल्स का हम लेते हैं प्रोटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन है। सेल वाल को रिमूव करके जो सेल्स बचती प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली प्लांट, उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन है। सेल का फ्यूजन सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं है, सेल वाल रिमूव करते हैं फिर प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा, मतलब डी आंसर क्या आया हमारा करेक्ट है यहां से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 126 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 126 मेज द कॉलम। सीईटी का फिर से फेमस क्वेश्चन आ गया, मेज द कॉलम। चलो कॉलम को मैच करते हैं। क्लीवेज, क्लीवेज की अगर हम बात करें यहां से, माइटोटिक डिविजन्स ऑफ जायगोट, यह है जायगोट 2n, और इसमें होता है यहाँ पर डिविजन 1 से 2 ब्लास्टोमियर, 2 से 4 ब्लास्टोमियर, और ये जो ब्लास्टोमियर बनते हैं इसी को हमने क्या नाम दिया है, क्लीवेज। तो क्लीवेज में माइटोटिक डिविजन होगा लेकिन सेल सेपरेट नहीं होगी। क्लीवेज और माइटोटिक डिविजन में इतना ही डिफरेंस है कि अगर सेल सेपरेट हो जाए तो माइटोटिक डिविजन, और अगर सेपरेट ना हो और उनमें डिवाइड डिवीजन चलता रहे तो उसे क्या कहा है, क्लीवेज। इनर सेल मास फॉर्म्ड करता है ब्लास्टोसिस्ट, ये जो है मोरूला बनता है, और मोरूला के बाद में बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज में यहाँ जो सेल्स होती हैं, इस तरह की सेल्स बनती हैं, बाहर आउटर सेल्स और अंदर इनर सेल मास, और ये जो इनर सेल मास है यही ये कैविटी बनाता है जिसको क्या नाम दिया है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कौन करेगा, इनर सेल मास। थर्ड है ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट जो है ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ आउटर लेयर में जो है उन्हें ट्रोपोब्लास्ट कहा है, और इनर जो सेल्स है उन्हें इनर सेल मास कहा है। ब्लास्टोमियर्स जो है वो किस में प्रेजेंट होंगे, मोरूला। मोरूला में 8 से 16 ब्लास्टोमियर को ही क्या नाम दिया है, मोरूला स्टेज। 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स को क्या कहा है, मोरूला। तो ये करेक्ट हो गया, ट्रोपोब्लास्ट आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है, इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म्ड करता है, और क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोट। तो यहां सही आंसर आएगा, करेक्ट आंसर है ए का थर्ड सभी में है, मतलब ये गलत हो गया। बी का फोर्थ केवल एक में, मतलब आंसर तो हमारा यही है। सी का सेकेंड और डी का हमारा आया फर्स्ट, डी का फर्स्ट, मतलब हमारा आंसर जो निकल के आया वो क्या है, बी आंसर यहां से क्या आया है, करेक्ट आंसर। चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को ही सीवेज कहा है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आफ्टर इट्स डिस्पोजल इनटू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने के बाद उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट देते हैं क्या, ये स्टेटमेंट गलत है। चूंकि सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं वाटर बॉडीज में पोर्ड करने से पहले, तो यहां आफ्टर की जगह आना चाहिए था बिफोर, तो स्टेटमेंट करेक्ट होता। मेजर कंपोनेंट ऑफ सीवेज ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट।
रेस्क्रेटरी मेजर कंपोनेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटरोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, ऑटोट्रॉपिक नहीं, हेटरोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वही यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हेल्पफुल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और उन्होंने पूछा है इनकरेक्ट, मतलब आंसर आएगा हमारा निकल कर बी। बी यहाँ से क्या आएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टू स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पैटर्न आया फिर। इस पेपर में एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट पैटर्न बार बार चल रहे हैं। देखो, थैलेसेमिया कॉजेज वेरी फ्यू ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन इन द ब्लड सेल्स। ये जो आरबीसी है ब्लड सेल्स, इस आरबीसी के अंदर ग्लोबुलिन जो कि हीमोग्लोबिन है HB, उसके ग्लोबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कम कर देता है, रिजल्ट इन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। और इस थैलेसेमिया में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। थैलेसेमिया इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। बिल्कुल सही है, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसेमिया, ये सब क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस और नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने जैसा डिस्कस किया है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये नॉन मेंडेलियन है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है, ऑटोसोमल है, ये भी सही है, विच ट्रांसमिट फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स फॉर द जीन। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगले पे चले। बीटी क्रॉप्स, बीटी कॉटन रेजिस्टेंट टू पेस्ट ड्यू टू बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस प्रोटीन क्रिस्टल क्राई प्रोटीन, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन विच मेक्स बीटी क्रॉप्स पेस्ट रेजिस्टेंट। नेम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। बहुत ईजी है, बीटी से ही समझ में आ जाता है, इसलिए तो इसका शॉर्ट नाम दिया है बीटी। बीटी मतलब बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट इज टू डिफरेंट पेस्ट कंट्रोलिंग प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। पेस्ट कंट्रोलिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड टू स्टेटमेंट बताना है। द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑफन यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स। जो कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जो हम रोजाना यूज करते हैं, उसमें हम केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड इज कंसिडरेबली बेटर बिकॉज इट गिव्स क्विक रिजल्ट्स। केमिकल पेस्टिसाइड इज कंसिडर्ड बेटर बिकॉज इट गिव्स क्विक रिजल्ट। नहीं, बेटर तो किसी भी कंडीशन में केमिकल फर्टिलाइजर सही नहीं, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। ऑर्गेनिक फार्मर्स होल्ड द व्यू दैट इट्स डिजायरेबल टू किल पेस्ट बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मर्स तो पेस्टिसाइड का यूज करते ही नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये दो स्टेटमेंट तो गलत आए यहाँ। द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर गिव्स ग्रेटली रिड्यूसेस ऑन द डिपेंडेंसी ऑन टॉक्सिक केमिकल्स। ये बिल्कुल सही है, बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करके हमने पेस्टिसाइड्स पर, टॉक्सिक केमिकल्स पर क्या कर दिया, उनको रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया है, बिल्कुल डिपेंडेंसी खत्म कर दी है। तो हमारा आंसर करेक्ट आया ए और डी, पहला आंसर आ गया यहाँ पर ए और डी, ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्रेडरिक ग्रिफिथ कंक्लूड दैट ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी बैक्टीरिया। ग्रिफिथ ने माइस को इंजेक्ट, माइस के अंदर इस निमोनिया बैक्टीरिया को रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ऐसा स्टेटमेंट है। एवरी एट ऑल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट प्रियर टू द वर्क ऑफ ग्रिफिथ, ये गलत है। एवरी मैक्लियोड मैकार्टी थ्री साइंटिस्ट थे, तीन की जोड़ी थी, और इन्होंने ग्रिफिथ के बाद एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफिथ के पहले नहीं, इन्होंने ग्रिफिथ के बाद एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जेनेटिक मटेरियल डीएनए के को एक आइसोलेट करके उन्होंने इंजेक्ट किया था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एवरी एट ऑल डिस्कवर्ड दैट प्रमोट्स प्रोटीएजेस एंड आरएनए, आरएनएज डिज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया था उनके एक्सपेरिमेंट से कि आरएनएज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम जेनेटिक मटेरियल जैसा वर्क नहीं करते, डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल जैसा वर्क करता था। ये एवरी मैक्लियोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट था। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज प्रूव्ड
एक्सपेरिमेंटली बाय हार्स एंड चेस, बिल्कुल सही। एवरी मैक्लियोड मैककार्टी के बाद जो साइंटिस्ट आए थे हार्स एंड चेस, और उन्होंने जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ये प्रूफ किया। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, बिग इनकरेक्ट पूछा है, मतलब यही हमारा क्या है आंसर। तो हमारा आंसर जो हुआ वो क्या हुआ है, बी, बी यहां से हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलो अगला देखें क्वेश्चन, फिर मैच द कॉलम। डायहाइब्रिड क्रॉस सिंपल है, टू कैरेक्टर वाला, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, डायहाइब्रिड क्रॉस। कोडोमिनेंस ए बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं यहां पर, इसलिए कोडोमिनेंस शो कर रहा है ए बी ब्लड ग्रुप। टेस्ट क्रॉस एफ वन हाइब्रिड का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट्स के साथ, रेसेसिव पेरेंट्स के साथ क्या कहलाता है एफ वन का क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, और वही यहां है, यह एफ वन हाइब्रिड है और यह रेसेसिव पेरेंट्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने देखा है स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की स्किन कलर तो ए ए बी बी सी सी, ये थ्री जीन से, जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन आएंगे उतना ज्यादा यहां पर, जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन आएंगे उतना ज्यादा यहां पर वो कैरेक्टर में जो कलर आएगा स्किन का वो ब्लैक आएगा। तो चलो इसको मैच कर लेते हैं, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए की में दो में मिला हमको, ये दोनों गलत है। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ए की मतलब हमारा ए की आंसर सही है। सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, डी का सेकंड, मतलब हमारा फर्स्ट आंसर क्या आ गया, करेक्ट। इजी क्वेश्चन था। द फिनोमिनन ऑफ कीपिंग द अर्थ वार्म, अर्थ को वार्म करना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस इन द एटमोसफियर कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2 इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज, तो CO2 इज ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या रोल प्ले कर रहा है, तो CO2 ग्रीन हाउस गैसेस है और वो इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करती है और बाहर जो हीट जा रही है रिफ्लेक्ट होकर उसको रोकती है। चलो इसमें देख लेते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल फिनोमेनन, इससे कोई लेना देना नहीं है। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ वुड लो टेम्परेचर -18 टू मेक इट डिफिकल्ट, ये थोड़ा सही हो सकता है। इट रिफ्लेक्ट्स 1/4 ऑफ द सोलर रेडिएशन, इससे कोई लेना देना, इट्स प्रेजेंस डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप इनटू द स्पेस, ये सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर है। उन्होंने पूछा है CO2 के रिस्पेक्ट में, इसीलिए यह ज्यादा करेक्ट आंसर आया, इट्स प्रेजेंस डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप इनटू द स्पेस। इसकी प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति जो है वो हीट एनर्जी का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, और इसी को हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा है। तो ज्यादा करेक्ट आंसर डी आया, बी उतना करेक्ट नहीं जितना क्या है डी। नेक्स्ट बायोपायरेसी, बायोपायरेसी और बायोपेटेंट, ये तो सीधा सीधा डेफिनेशन दे दी उन्होंने यहां पर। एथिकल इश्यू ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय एमएनएस विदाउट परमिशन ऑफ कंसर्न कंट्री एंड पीपल, एथिकल यूज, एथिकल यूज नहीं है ये। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय एमएनएस आफ्टर कंपनसेटरी पेमेंट, नहीं ये बायो पेटेंट हो गया, ये भी नहीं है हमारा काम का। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय एमएनएस विदाउट परमिशन एंड कंपनसेटरी पेमेंट कंट्री एंड इट्स पीपल, ये है करेक्ट आंसर हमारा। इलीगल यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय एमएनएस आफ्टर मेकिंग मेयर कंपनसेटरी पेमेंट टू कंसर्न कंट्री एंड पीपल, ये भी गलत है। बायो रिसोर्सेज सीधी सीधी एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही है ये। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय एमएनसीएस विदाउट परमिशन एंड कंपनसेटरी पेमेंट टू कंसर्न कंट्री एंड पीपल, तो बी जो सी है वो करेक्ट आंसर है, बायोपायरेसी। नेक्स्ट एनालोगस ऑर्गन एराइजेस ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, नहीं ये है, इधर हमने लिया है बर्ड, इधर इंसेक्ट, और इधर से लिया है हमने यहां पर बैट। तीनों में कॉमन चीज है वो है फ्लाई, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, ये एनालॉगस, और ये शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन,
सब लाइट एक जगह कन्वर्ज हो रही है, ये क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एनालॉग ऑर्गन शोस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सीधा क्वेश्चन है, फिशेस लाइक गेम्बुशाया इंट्रोड्यूस इन पोस्ट पॉन्ड्स टू कंट्रोल आर एलिमिनेट सर्टेन डिसीजेस। तो पॉन्ड्स में अगर हम गेम्बुशाया मछली को छोड़ते हैं तो वो मॉस्किटो के लार्वा को ईट कर जाती है, और मॉस्किटो क्या स्प्रेड करता है? मलेरिया। मॉस्किटो स्प्रेड करेगा मलेरिया, और मलेरिया डिसीज को कंट्रोल करता है गेम्बुशाया फिश। तो करेक्ट आंसर है मलेरिया। यहां इनकरेक्ट बताना है, पॉन्ड रिप्रेजेंट एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है, पॉन्ड मतलब वाटर। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एट द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया, ये भी करेक्ट है। स्टैंडिंग क्रॉप्स ट्रॉपिक लेवल पर लिविंग मास का मटेरियल है। फूड वेब इज अ नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। तो तीन स्टेटमेंट तो हमारे क्या हो गए? करेक्ट। द एनर्जी पिरामिड कुड बी इन्वर्टेड, एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ऑलवेज अपराइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और इसीलिए हमारे ये जो क्वेश्चंस, ये जो थ्री स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत, और ये थ्री स्टेटमेंट जो आए वो हमारे क्या आए हैं? करेक्ट। इसलिए आंसर पूछा है इनकरेक्ट, आंसर निकल कर आया कौन सा? डी। डी आंसर करेक्ट है। Which one of the following is high yielding and disease resistant variety of wheat? Wheat की variety तो देखते ही लगा देते हैं, सोनालिका एंड कल्याण सोना। High yielding variety wheat की, सोनालिका एंड कल्याण सोना। सिंपल क्वेश्चन था यह। Lactic acid bacteria present in curd, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है, और इस बैक्टीरिया में न्यूट्रिशनल क्वालिटी है दही में, वो है B12। कौन सा विटामिन है? विटामिन B12 है वहाँ पर। तो विटामिन B12 जो है, इस विटामिन B12 को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्निशन स्पेसिफिक सीक्वेंस। सीक्वेंस है GTPYPUAC। कितने बेसेस हैं? 6 बेस पेयर्स। पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 6 बेस पेयर। चलो नेक्स्ट चले। अब आ गया हमारा पैराग्राफ सिस्टम। पैराग्राफ में जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस पैराग्राफ से ही दे वो एग्जामिनर, पैराग्राफ हिंट होती ताकि उस एरिया में आप सोच सको। अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे होते जिनके जवाब आप डायरेक्ट दे सकते हो। यहाँ दिया है, इन एंजियोस्पर्म पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हैज 3 पार्ट्स स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवल्स आर लोकेटेड इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवल मेगा स्पोर स्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट्स कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, डिवाइड्स माइटोटिकली फॉर्म 7 सेल एंड 8 हैप्लोइड न्यूक्लियस दैट आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 3-2-3 सेल्स, ओविल फॉर्म सीड एंड ओवरी बिकम्स फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये बात कर रहा है कि ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर यहाँ जो प्रेजेंट है इसी को कहा जाता है एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में सेल्स का अरेंजमेंट है 3-2-3, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लिया, 1 इज एग एंड अनदर 2 इज सिनर्जिड्स। इस तरह का यहाँ अरेंजमेंट है। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म पजेसेस 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस, ये वही है, ये एम्ब्रियो सैक, ये 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लिया, 1 इज एग सेल्स, ये 2 क्या आ गए यहां पर? सिनर्जिड्स।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट न्यूक्लियस और ये दोनों मिलकर एक पोलर बॉडी बनाते हैं, इसलिए 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस इसका क्या आया है, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म विच फॉर्म्स सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड बनाते हैं, फाउंड इनसाइड द फ्रूट, सीड बनता है किससे, ओव्यूल से, अभी बताया ओव्यूल कन्वर्टेड इंटू सीड एंड ओवेरी कन्वर्टेड इंटू फ्रूट्स, तो करेक्ट आंसर है ओव्यूल। अरेंज द स्टेजेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन द एंजियोस्पर्म करेक्ट सिक्वेंस, मेगास्पोरोजेनेसिस बताया यहां पर, थोड़ा सा मेगास्पोरोजेनेसिस में चले तो एमएमसी सेल्स, ये 2n सेल्स है, पहले तो साइज इनलार्ज करेगी और फिर इसमें होगा माइटोटिक डिवीजन और फिर इसमें होगा मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, और ये फोर बनाएगी यहां पर एम्ब्रियोसेक और मेगास्पोर। यहां एमएमसी सेल्स का साइटोप्लाज्म, यहां पर इस तरह से प्रोसेस है। अब समझ लेते हैं यहां क्या हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स, ये माइटोटिक डिवीजन यहां आया है, मतलब ए यहां आया है, चलो कलर चेंज कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ये ए है यहां पर, ठीक। थ्री मेगास्पोर डीजनरेट्स, थ्री मेगास्पोर यहां बनने के बाद में क्या हो जाते हैं, डीजनरेट्स, मतलब ये यहां पर क्या आया है, बी, चलो ठीक है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है ये न्यूसेलस है, यहां पर न्यूसेलस, तो न्यूक्लियस में वन मेगास्पोर मदर सेल्स, यहां पर वन मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरग्रोड हो जाती है, मतलब ये स्टेप है हमारी सी, यहाँ वाली स्टेप सी है, ये न्यूसेलस की सेल्स है, तो न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल्स बन जाती है, ये सी है। चलो आगे चलें, मेगास्पोर मदर सेल्स इनलार्ज विद डेंस साइटोप्लाज्म, ये इनलार्ज विद डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब ये हुआ डी। फोर मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मेगास्पोर मदर सेल, फोर मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मेगास्पोर मदर सेल्स, मतलब ये स्टेप हुआ ई। चलो अब इसको सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, जो यहाँ सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको यहाँ से ढूंढना है, ऑप्शन यहीं से ढूंढना है, समझो यहाँ पर सी डी ए ई बी, सी डी सी डी सी डी ए ई, ए ई है क्या, नहीं यहाँ ए ई है क्या, नहीं ये भी नहीं, सी डी ए ई बी, सी डी ए ई बी, ये हमारा सीक्वेंस मिल गया। इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हो सीक्वेंसिंग वाले, क्योंकि इनमें बहुत डिफिकल्ट होगा और टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो सीक्वेंस चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि उस प्रोसेस पे जाना है, इस तरह से प्रोसेस लिखना है और बीच बीच में पॉइंट लिख देना, आपको सीक्वेंस अपने आप मिल जाएंगे यहाँ पर, ताकि ईजी वे में आप करेक्ट आंसर दे सको यहाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यहां पर एन सेल का फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है 2n पोलर न्यूक्लियस, और पोलर न्यूक्लियस के साथ होता है तो बनता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म कितना n है, 3n, 3N जो रहेगा वो क्या रहेगा, एंडोस्पर्म, तो करेक्ट आंसर आएगा एंडोस्पर्म, यही ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हाउ मेनी टाइम्स द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म 8 न्यूक्लियस, मेगास्पोर जो बना है ये हैप्लॉइड है, इसमें पहला माइटोसिस डिवीजन 2 सेल्ड, दूसरा माइटोसिस डिवीजन 4 सेल्ड, और थर्ड माइटोसिस डिवीजन
एट सेल्ड, एट न्यूक्लियस सेवन सेल्ड। एट न्यूक्लियेटेड होने में कितने माइटोसिस डिवीजन लगे? थ्री। करेक्ट आंसर आएगा थ्री। अगला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। इन नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन हैबिटेट डू नॉट लाइव इन आइसोलेटेड बट इंटरेक्ट इन मेनी वेस। ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला टॉपिक है। डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ दिस इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज आर क्लासिफाइड एज कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन आल्सो एंड इम्पोर्टेंट थ्रू विच ट्रॉपिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। सम प्रेडेटर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग देयर प्रे पॉपुलेशन इन कॉम्पिटिशन बोथ स्पीसीज सफर। बिल्कुल सही, पैरासिटिज्म बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड। पैरासिटिज्म नहीं आएगा यहाँ, यहाँ आएगा म्यूचुअलिज्म। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इस पैराग्राफ को नाम मात्र उन्होंने दिया है, सारे क्वेश्चन आपको उसी पूरे टॉपिक से लेना है, बस टॉपिक याद होना चाहिए। ऐसा नहीं ढूंढना पूरा पैराग्राफ में आप क्वेश्चन ढूंढते रह गए। पैराग्राफ में अगर क्वेश्चन ढूंढे आपने आंसर्स, तो हो सकता मिले नहीं आपको, और यहाँ मिलने वाले बहुत कम है। चलो समझते हैं इधर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन वन स्पीसीज कंट्रोल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज। ये है पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, दैट इज प्रेडेशन। प्रेडेशन में एक स्पीसीज को बेनिफिट और दूसरी को की डेथ हो जाती है, जैसे लायन या टाइगर और डियर, हिरण वाला जो केस है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रेडेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है प्रेडेटर्स, तो करेक्ट आंसर है डी। मेज द कॉलम आया, कॉम्बो फ्लैश शो करते हैं इंसेक्ट अपने आप को छिपा लेते हैं, बचने का मैकेनिज्म है कॉम्बो फ्लैश। एपिफाइट्स जो है वो क्या है? ऑर्किड्स। ऑर्किड्स जो है वो एपिफाइट्स हैं, और ये ट्री, मैंगो ट्री पर क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, उससे सपोर्ट लेते हैं, मतलब इनको बेनिफिट है ऑर्किड को, और मैंगो ट्री को ना तो बेनिफिट और ना कोई हार्म है, जीरो इंटरेक्शन है यहाँ। एक्टोपैरासाइट जो पैरासिटिज्म में है वो है कस्कुटा, कस्कुटा अमरबेल, टोटल स्टेम पैरासाइट्स हैं। और इंडो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम विच कॉजेस मलेरिया। तो मैच कॉलम कर लेते हैं, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ये हमारा आंसर आया निकल कर, सेकेंड बी आंसर करेक्ट है। सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट इन रिलेशन टू पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन पैरासिटिज्म। बहुत ऑर्गेनिज्म आर हार्म्ड, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव है। बहुत ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव है। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, जीरो पॉजिटिव, नहीं। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, अदर इज हार्म्ड, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब करेक्ट आंसर आया है हमारा डी। इस तरह से आपको सोल्व करना है एग्जाम में, जिस पैटर्न से मैं सोल्व कर रहा हूँ उसी पैटर्न से अगर आप सोल्व करते हो तो टाइम कंज्यूम होगा, आंसर करेक्ट होगा, छोटी छोटी सी मिस्टेक जो हम करते हैं वो नहीं हो पाएगी यहाँ पर। पॉपुलेशन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज एट लॉस, बेनिफिटेड एंड अदर इज एट लॉस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन की बात कर रहा है। कमेंसलिज्म पॉजिटिव जीरो, हमारे काम का नहीं है। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव पॉजिटिव, हमारे काम का नहीं है। पैरासिटिज्म पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे काम का है। प्रेडेशन पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे काम का है। कॉम्पिटिशन नेगेटिव नेगेटिव, हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये चाहिए हमको। बी सी ओ डी कहाँ गया आंसर, ओनली सी एंड डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ से, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश को बेनिफिट है, सी एनीमोन को ना तो बेनिफिट है ना ही कोई हार्म है।
पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन, और ये होता है कमेंसलिज्म, सहभोजिता। क्लाउन फिश अपने प्रेडेटर से बचने के लिए सी एनीमोन के टेंटेकल्स में छिप जाती है। सी एनीमोन को कोई नुकसान नहीं, क्लाउन फिश को बेनिफिट हो जाता है, अपने प्रेडेटर से बच जाती है। इसे इंटरेक्शन को कहा है कमेंसलिज्म। ये टोटल आपके 50 क्वेश्चंस यहाँ पर क्या हो गए हैं, कंप्लीट। अब एक और पेपर लेके आगे आने वाला हूँ मैं। थैंक यू सभी को।